250 सीसी की स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक्स या स्पोर्ट्स बाइक्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ज़्यादा कंपेटिटर्स नहीं हैं। और जब सुजुकी ने अनाउंस किया कि उनकी जिक्सर SF 250 भी आने वाली है इंडिया में, तो हमारी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी इस बाइक से, और अब आखिरकार हमें ये बाइक चलाने को मिल गई है। क्या इस बाइक में वो बात है कि आप इसे खरीदने पर मजबूर हो जाएं? हम पता करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बाइक के लुक्स की बात करें तो ये काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है। इसके LED हेडलैम्प्स से लेके इसके अलॉयज और इसकी फुल फेयरिंग सब बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इसका टेल सेक्शन भी बहुत अच्छा और स्लीक नज़र आता है। पीछे भी आपको एक LED टेल लैम्प मिलता है। इसके टर्न इंडिकेटर्स थोड़े से बड़े हैं, पर फिर भी वो अच्छे लगते हैं। प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जगहों पर फिर भी ऑल टुगेदर जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे से फिनिश लगती है, और आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा जो ख़राब क्वालिटी का लगे। इसकी जो फेयरिंग है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि देखने में स्पोर्टी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं गए हैं डिज़ाइनर्स, तो काफ़ी कैलकुलेटेड और काफ़ी मैच्योर डिज़ाइन है इस बाइक का। जिक्सर SF 250 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये एक LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और इसमें जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो काफ़ी नीट तरीके से दी गई है, और इसमें जो स्पेसिंग है चीज़ों की वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगता कि क्रैम्प्ड है, और आप आसानी से सब कुछ देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर्स, आपका टाइम, फ्यूल लेवल, गियर पोजिशन इंडिकेटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से आपको नज़र आती है। 2 बटन्स दिए गए हैं ताकि आप शिफ्ट कर सके कुछ अलग अलग मैट्रिक्स के बीच में, और इनको एडजस्ट कर सके, रीसेट कर सके। ये बटन्स प्रेस करने में काफ़ी इजी हैं, पर अगर आपने ग्लव्स डाले तो इनको कभी कभी दबाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस बाइक की सीट हाइट 800 mm है, जिसका मतलब यह है कि लगभग हर हाइट के राइडर को इसे चलाने में आसानी होगी। आप आराम से अपने पैर नीचे रख पाएंगे। जो ग्राउंड क्लियरेंस इसका है वो 165 mm है, तो आपके जो शहरों में नॉर्मल स्पीड ब्रेकर और गड्ढे होते हैं ये उसके ऊपर से आसानी से निकल सकती है। जब आप बाइक के ऊपर बैठते तो आप देखेंगे कि आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिले हैं, और आपकी जो राइडिंग पोजीशन है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। आप हल्का सा आगे लीन करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है जैसे कि R15 या कोई और बाइक हो। तो अगर आप इस बाइक को काफ़ी देर के लिए चलाते हैं तो आपके हाथ, कंधे और पीठ दर्द ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर का है, पर फिर भी ये हाईवे राइड्स के लिए सही है। आपको एक काफ़ी डिसेंट सी रेंज मिल जाएगी, पर हाँ, एक बड़ा फ्यूल टैंक ज़्यादा बेहतर होता है इस बाइक के लिए। इस बाइक में एक बिल्कुल नया 249cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है, जो 26 हॉर्स पावर का पीक पावर प्रोड्यूस करता है और 22 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब ये नंबर्स अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे और एक्साइटिंग है, पर इन्हें और बेहतर ये बात बनाती है कि इंजन की ट्यूनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको लो एंड में काफ़ी टॉर्क मिलता है, ताकि आप आसानी से हाई स्पीड्स पकड़ सकें और आप आसानी से ओवरटेक कर सकें। इस इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि अगर इसमें लो एंड में काफ़ी पावर है तो आपको टॉप एंड में कुछ नहीं मिलेगा। इसका टॉप एंड भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, और बाइक आराम से रेड लाइन तक आप रेव कर सकते हैं, और बाइक काफ़ी एक्साइटिंग फील करती है उस टॉप एंड में भी। वाइब्रेशंस की अगर हम बात करें तो वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट नहीं है। अगर आप नॉर्मल राइडिंग की बात करें तो आपको कहीं पे भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। सिर्फ 7,500 RPM के बाद आपको वाइब्रेशंस थोड़े से फील होंगे इसमें, पर वो भी इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको परेशानी हो। ये बाइक लोगों को एवरीडे राइडिंग के लिए बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है लो एंड रिस्पॉन्स का, एक रिफाइंड इंजन का, और काफ़ी डिसेंट अर्गोनॉमिक्स का, जिसका मतलब ये है कि आप इसे लंबे टाइम तक चलाने पे आपको बॉडी एक्स नहीं होंगे, आपको फटीग फील नहीं होगा। इस बाइक का इंजन एक 6 स्पीड के गेयरबॉक्स के साथ आता है, जो यूज़ करना काफ़ी आसान है। गियर आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, पर आपको इसमें कोई स्लिपर क्लच नहीं मिलता, और न्यूट्रल ढूंढना भी थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस बाइक में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं दोनों व्हील्स पर, और आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं रियर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा था तो ABS का इंटरवेंशन थोड़ा सा ज़्यादा था और थोड़ा सा अनोइंग हो रहा था, और जो फ्रंट ब्रेक है इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइट है,
पर आप जितनी बार इसको यूज़ करेंगे बाइक थोड़ा सा नोज डाइव करती है, जो थोड़ा सा अनोइंग है, पर ऑल टुगेदर मुझे लगता है जो ब्रेकिंग सेटअप है वो काफ़ी पावरफुल है और आप आसानी से इस बाइक को रोक सकते हैं अगर आप स्पीड में जा रहे हो तब भी। पर मुझे ये लगता है कि अगर सुजुकी ब्रेक्स को थोड़ा सा और ट्यून करें तो ये काफ़ी राइडर फ्रेंडली हो जाएगा। टायर्स की बात करें तो आपको मिलते हैं 17 इंच टायर्स दोनों आगे और पीछे, और जो पीछे वाला टायर है वो एक काफ़ी फैट 150 सेक्शन टायर है जो काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो या फिर अगर आप कॉर्नर्स भी ले रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही है और जब मैंने इस बाइक को थोड़े से गीले रास्ते पर लेके गया तो ये ऐसे फील हो रहा था जैसे काफ़ी आसानी से स्लिप हो जाएगी। तो अगर आप ये बाइक लेते हैं और आप इसे ऐसी जगह चलाने वाले जहाँ पे आपको हर बार प्रॉपर टारमैक नहीं मिलेगा तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसके टायर्स चेंज कर लें। इस बाइक में आपको आगे टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन दिया गया है और पीछे एक मोनोशॉक दिया गया है। दोनों का ट्यूनिंग थोड़ा सा स्टिफ है तो आपको स्पोर्टी राइडिंग करने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, और अगर आप नॉर्मल तरीके से गड्ढों के ऊपर से जा रहे तो वो भी ठीक रहता है, पर अगर आप गलती से तेज़ जा रहे हो और सडनली रास्ते में कोई गड्ढा आ गया तो ये आपको फील होगा, इसका झटका आपको महसूस होगा। और सेम बात अगर हम स्पीड ब्रेकर की करें तो उस पर भी अगर आप थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे तो आपको झटका महसूस होगा। तो ये सबसे कंफर्टेबल सस्पेंशन नहीं है पर ये काफ़ी बुरा भी नहीं है। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, ये 2-port एग्जॉस्ट है और इसमें एक काफ़ी क्रोम जैसा फिनिश दिया गया है। इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा यूथफुल और थोड़ा सा एंग्री और फियर्स साउंड लगता है, और जब आप बाइक चला रहे हो तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस बाइक की कीमत अभी मार्केट में लगभग 1,70,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा कंपेटिटिव प्राइस है क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। एक ऐसी बाइक मिल रही है जो आप डेली चला सकते हैं और जो देखने में और चलाने में काफ़ी मैच्योर, काफ़ी स्मूद और काफ़ी रिफाइंड हो। अगर आपको किसी भी तरीके की एक्सट्रीम बाइक चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हो या फिर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हो तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, पर अगर आपको एक बहुत अच्छा वेल राउंडेड सा पैकेज चाहिए, और मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोगों को वही चाहिए होता है, तो 250 सीसी में ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है। तो ये था हमारा रिव्यू सुजुकी जिक्सर SF 250 का। हमें आशा है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको और ऐसे ही रिव्यूज़ और लॉन्च के वीडियोस देखने हो, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो इस बाइक को लेकर या कोई भी कॉम्प्लीमेंट या क्रिटिक हो इस रिव्यू को लेकर, और हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं आकाश आपसे अगली बार तक के लिए विदा लेता हूँ। जब भी आप बाइक या कार चलाएँ तो सारे रूल्स फॉलो कीजिए और सेफ तरीके से चलाइए। बाय बाय।